दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गर्मी अधिक होने की वजह से लगातार विद्युत विभाग पर दबाव पड़ रहा है, तो वहीं लाइन लॉस कम करने और बकाया राशि वसूल करने के लिए विद्युत विभाग लगातार सर्चिंग अभियान भी चला रहा है। 10 तारीख को ऐसे ही सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ई रिक्शा चालकों के घरों पर भी दबिश दी गई और उन्हें समझाइश दी गई। शहर वितरण केंद्र में वर्तमान समय में गर्मी बढ़ने के कारण मांग अत्यधिक है, जिस कारण से लाइन लॉस कम करने के लिए कार्यपालन अभियंता आर ए मिश्रा के निर्देशन में सहायक अभियंता शहर रिंकू मैना द्वारा विद्युत कनेक्शनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है। मई माह 2022 में विद्युत चोरी के 42 प्रकरण बनाए गए, जिनमें लगभग 21 लाख रुपए की रिकवरी भी निकाली गई। माह जून में अब तक 34 विद्युत चोरी और भार वृद्धि के प्रकरण तैयार किए जा चुके हैं, जिनकी रिकवरी निकाली जानी है। दिनांक 10 जून से प्रतिदिन शहर में बाहर से आए 4 नंबर चेकिंग दलों द्वारा चेकिंग का कार्य वृहद स्तर से ओवरलोड ट्रांसफार्मर, जहां उपभोक्ता को 100 रुपए बिल प्राप्त हो रहा है, सर्विस लाइन या मीटर से छेड़छाड़ कर विद्युत उपयोग किया जा रहा है, परिसर में अत्यधिक लोड है, बिल में कम लोड है की चेकिंग की जानी है। दिनांक 10 जून को चेकिंग टीम द्वारा 19 विद्युत चोरी के प्रकरण तैयार किए गए हैं। शहर में ई रिक्शा धारकों के यहाँ भी चेकिंग टीम द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 30 प्रकरण तैयार कर उन्हें समझाइश दी गई कि ई रिक्शा चार्ज करने हेतु नियमानुसार नया कनेक्शन लेवें और भार वृद्धि करवा कर ही विद्युत उपयोग करें, जिससे विभाग को ट्रांसफार्मर वाइज सही लोड का पता चल सके।